देसी 33 टीवी चैनल का अपना देसी चैनल, देसी लाहौरी 33 चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मनपसंद वीडियोस हासिल करें और खेल के वो पांच ऊप्स मोमेंट जब प्लेयर्स को शर्मिंदा होना पड़ा। फ्रेंड्स, आपने ध्यान दिया होगा कि मॉडल्स जब कैटवॉक करती हैं तो अक्सर वो लड़खड़ा जाती हैं, या उनका पहनावा ही उन्हें धोखा दे जाता है। कभी उनकी ड्रेस की कोई लेस टूट जाती है या जिप खुल के अचानक बाहर आ जाती है। उस वक्त सैकड़ों लोगों की कई जोड़ी आंखें उन्हें देख रही होती हैं। फ्रेंड्स, ये बड़े शर्मनाक पल होते हैं, यानी ऊप्स मोमेंट। ऐसे पलों में मॉडल्स अपने आप से नजरें नहीं मिला पाती। दोस्तों, ऐसे ऊप्स मोमेंट यानी शर्मनाक पल खेल के मैदान में भी होते हैं। चलिए आप भी देख लीजिए खेल के मैदान में हुए वो ऊप्स मोमेंट जिन पर आपको हंसी भी आ सकती है और आप ओहो करके बह जाएंगे। नंबर एक, माइक मचोका। फ्रेंड्स, माइक मचोका बॉलिंग के खेल में काफी चर्चित रहे और वो एक प्रोफेशनल बॉलर है। इनके साथ हुआ ऊप्स मोमेंट बहुत ही हास्यास्पद था। हुआ यूं कि उन्होंने बॉलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। जिस स्टेडियम में ये मैच होना था वो खचाखच भरा हुआ था। इसी बीच उनका नंबर आया और उन्होंने पूरे जोश से बॉलिंग की, मगर उनका यही जोश उनके लिए ऊप्स का मोमेंट बन गया, यानी शर्मनाक पल बन गया। फ्रेंड्स, माइक ने पूरे जोश में आकर छलांग सी ली और बॉल को अपने लक्ष्य की ओर फेंका, मगर यहाँ मामला उल्टा हो गया और वो धुन से नीचे फिसलते हुए गिर गए और अपने हाथ में थमी बॉल को भी न छुड़वा पाए। उनका ये ऊप्स मोमेंट देखकर स्टेडियम में मौजूद भीड़ हंस पड़ी और हूटिंग करने लगी। दोस्तों, माइक के लिए पल बड़े शर्मनाक थे। हालांकि उन्होंने दूसरी बार कोशिश की और इस बार उन्होंने बढ़िया गोल किया, मगर बीता हुआ ऊप्स मोमेंट उनके लिए यादगार बन गया। बाद में एक साक्षात्कार के दौरान माइक ने बताया कि वो बहुत ज्यादा भीड़ को देखकर थोड़ा नर्वस हो गए थे। खैर, मामला जो भी हो, ऊप्स तो फिर भी ऊप्स ही है। नंबर दो, नाइजीरियन एथलीट। फ्रेंड्स, एक नाइजीरियन ने लॉन्ग जंप एथलीट के साथ भी एक शर्मनाक घटना घटी जिसका उन्हें पूर्वानुमान नहीं था। इससे लॉन्ग जंप महिला खिलाड़ी का नाम था ओकेज बारे। आपको बताना चाहेंगे कि 2008 में बीजिंग में आयोजित ओलंपिक में इस महिला खिलाड़ी ने लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया था। दोस्तों, एक बार ऐसे ही एक लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में ओकाबेरी के साथ ऊप्स मोमेंट हुआ, जिसकी वजह से उनका मन हुआ कि शर्म से जमीन में गड़ जाऊं। हुआ यूं कि ओकाबेरी प्रतियोगिता के दौरान छलांग लगा रही थी, तब उनका विग जमीन पर गिर पड़ा। तब दुनिया को पता चला कि ओकाबेरी नकली बालों की विग लगाती है। फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि ओकाबेरी के दिल पर इस ऊप्स मोमेंट का क्या असर हुआ होगा। उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। विग के गिरते ही स्टेडियम के हर एक व्यक्ति की नजर उन पर ही आकर रुक गई। सब हैरान होकर उन्हीं की तरफ देख रहे थे और कुछ तो लगातार हंस रहे थे। उनके साथ एक मजबूरी ये भी थी कि जंप के बाद वो अपनी विग को जल्दी से उठा भी नहीं सकती थी, क्योंकि उनके द्वारा लगाई गई छलांग का माप यानी कि मेजरमेंट गलत हो जाता, इसलिए छलांग लगाने के बाद उन्हें काफी देर तक एक जैसे मुद्रा में रहना पड़ा था। फिर बाद में उन्होंने अपनी विग उठाई। शायद ओकाबेरी इस ऊप्स मोमेंट को कभी ना भूल पाए। नंबर तीन, आइस हॉकी। फ्रेंड्स, एक आइस हॉकी मैच में ऊप्स मोमेंट घटित हुआ था। ये हॉकी मैच एक जमी हुई बर्फीली नदी पर आयोजित हो रहा था। हॉल दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था और सभी इस रोमांचकारी खेल का मजा ले रहे थे। तभी गोलकीपर के नीचे की बर्फ टूट गई और ये सचमुच हंसने वाला ऊप्स मोमेंट था। बर्फ टूटते ही गोलकीपर नीचे ठंडे पानी में जा गिरा। हालांकि उन्हें चोट नहीं लगी क्योंकि बर्फ ज्यादा नहीं टूटी थी, उन्हें बाहर निकाल लिया गया, मगर ऊप्स मोमेंट का शिकार तो वो हो ही गए थे। जबकि कुछ लोगों ने यहाँ तक की कहा कि ये सूची समझी प्लानिंग के तहत हुआ ताकि मैच को ज्यादा रोमांचक बनाया जा सके। आप क्या कहते हैं इस एम्बैरेसिंग ऊप्स मोमेंट पर? नंबर चार, नेशनल प्लेयर और ऊप्स मोमेंट। फ्रेंड्स, अब सुनिए बात एक सोकर गेम की जिसमें गंभीर घटना घटी। घटना गंभीर तो थी लेकिन अपने ऊप्स मोमेंट की वजह से ये और हास्यास्पद हो गई। ये मैच अपने चरम पर था कि एक खिलाड़ी को चोट लग गई और पैर में लगी गंभीर चोट की वजह से लाख कोशिशों के बाद वो उठ नहीं पा रहा था। वो दर्द से तड़पता हुआ मैदान में पड़ा रहा। आखिरकार उसे उठाने के लिए स्ट्रेचर मंगवाया गया। उसे स्ट्रेचर पर लादा गया, मगर उसे स्ट्रेचर पर ले जाने वाले दोनों व्यक्ति महामूर्ख थे और उनकी इस खिलाड़ी से कोई दुश्मनी नहीं होगी। इन दोनों ने बड़ी असावधानी से इस घायल खिलाड़ी को उठाया, जिसकी वजह से वो दो बार जमीन पर गिर पड़ा। जैसे तैसे उसे फिर उठाया, मगर न जाने क्यों इन दोनों ने उसे बड़बड़ाते हुए मैदान में पटक दिया। ये ऊप्स मोमेंट जैसे गुस्से में बदल गया था।
ये दोनों व्यक्ति उस घायल खिलाड़ी से थोड़ा नाराज लग रहे थे, मगर दोस्तों इंसानियत के नाते उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो खिलाड़ी एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था। ये एक शर्मनाक घटना थी। ये उस मोमेंट घायल खिलाड़ी के लिए उम्र भर का सबक बन गया। नंबर 5, बास्केटबॉल के शर्मनाक पल। फ्रेंड्स, एक बार एक बास्केटबॉल मैच हो रहा था जिसमें शिकागो बुल्स और डेल्स मैविक के बीच आपस में भिड़ंत हो रही थी। मजेदार मैच चल रहा था और दर्शकों में भी रोमांच सर चढ़ के बोल रहा था। अचानक मैच में एक अजीब सा पल ऊप्स मोमेंट आया, जिसे देखकर कुछ लोग तो कुछ पल के लिए हक्के बक्के हो गए। वायुओं के एक खिलाड़ी कार्लोस दूसरे खिलाड़ी को क्रॉस करता हुआ गोल की तरफ बढ़ा और उसने शानदार गोल भी कर दिया। बस उसी पल ऊप्स मोमेंट घटित हो गया। गोल करने के बाद कार्लोस खुशी से उत्तेजित हो गए और अपने हाथ पांव चला बैठे। उनका गुस्सा जम के पास खड़े रेफरी को लग गया। ये उप्स मोमेंट बेहद खतरनाक था। शुक्र ये था कि ये गुस्सा रेफरी की संवेदनशील जगह पर नहीं लगा, वरना राम नाम सत हो जाता। और बाद में रेफरी ने एक जेंटलमैन की तरह हंसकर इस शर्मनाक पल को टाल दिया। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे उप्स मोमेंट घटित हुए होंगे? कॉमेंट्स में बयान कर दीजिए, कसम से मजा आ जाएगा। करेंगे ना कॉमेंट? क्या कहा? अले हम बताएं। चले बता दें दोस्तों, बचपन में हम साइकिल चलाना सीख रहे थे और अपने आप को जबरदस्त साइकिल बाज समझ बैठे थे। एक दिन हमने अपने पप्पा की साइकिल चुराई और साइकिल के डंडे पर चढ़कर फर्राटे से दौड़ लगा दी, जबकि मालूम ही नहीं था कि पप्पा की साइकिल के ब्रेक टूटे हुए हैं। यही बात हमारा छोटा भाई हमें बताने के लिए पीछे दौड़ा था, मगर हम कहां सुनने वाले थे। नहीं रोकी साइकिल, भाई ने पीछे से निककर पकड़कर रोकना चाहा। अंजाम ये कि निककर उतर गया और मगर हम साइकिल से नहीं उतरे और अपना ये दौड़ता हुआ बिना सेंसर का कट लगा। ऊप्स मोमेंट आज भी दोस्तों के लिए हंसी की वजह बना हुआ है। अब आपकी बारी है। जय हिंद, वंदे मातरम।